आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा, आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास।